आज आप देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं और सरकार को इन तमाम चीजों पे हामी भरनी पड़ी है। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। जिस तरह से जनता ने, किसानों ने इस बार रेस्पॉन्ड किया है और जो रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है, मेरे साथी उसके बारे में बताएंगे, उसकी वजह से है। मैं आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल एक दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, नौ जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, नौ जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से दो तीन हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया तो सबको लगता है तीन जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे दो और जगह हैं, एक धांसा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर। तो ये हो गए पांच जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा चार और जगह हो रहा है जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। एक शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी। और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का है। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है। और हरियाणा का नूह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल नौ जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी।